जयंत का इलाका, अखिलेश की लाल पताका। जी हां, जाटलैंड में एक साथ गरजेंगे जयंत और अखिलेश। अलीगढ़ में सपा रालोद की संयुक्त रैली होनी है। चौधरी चरण सिंह की जयंती का मौका इसलिए चुना गया महारैली के लिए, अपने आप में और अहम हो जाता है। रैली को सफल बनाने के लिए वहां पर तमाम लीडर्स जुटेंगे। एक गिलास चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है और इसीलिए इसका चुनाव किया गया है। 150 बीघे में होगी सपा रालोद की संयुक्त महारैली। अलीगढ़ की खैर और एक गिलास आरक्षित सीट है। टिकटों के दावेदार अपनी अपनी ताकत यहां पर दिखाते हुए नजर आएंगे। मेरठ के बाद जयंत अखिलेश की दूसरी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी है, जहां से हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले संयुक्त रैली हुई थी मेरठ में, वहां से भी गरजे थे अखिलेश यादव और आज भी यहां पर गरजते हुए दिखाई देंगे। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गणित है क्या, वो भी आप समझिए। यहां पर कौन कितना प्रभाव रखता है। मुस्लिम 27% यहां पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। जाट 17% है, दलित 25% यहां पर है, गुर्जर 4% यहां पर है, राजपूत 8% है। अब ये सभी किसके पास जाते हैं, किसको चुनते हैं, इसलिए लगातार युद्ध स्तर पर ये कोशिश हो रही है। नितिन उपाध्याय इस पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे नितिन के पास आपको ले चलते हैं। नितिन, आज का दिन बहुत अहम है, हमने देखा मेरठ में कितनी बड़ी रैली हुई, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता जुटे, आम लोग जुटे। आज अब यहां पर कितनी भीड़ जुटा पाते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखिए बिल्कुल, लाखों का दावा किया गया है। देखिए 7 दिसंबर की वो रैली मेरठ की ऐतिहासिक रैली रही और उसमें कहा जाए चौधरी चरण सिंह के दोनों जो राजनीतिक जो वारिस हैं एक तरह से कहा जाए, वो दोनों की संयुक्त रैली रही, अखिलेश यादव और जयंत सिंह चौधरी। कुल मिला के कहा जाए चौधरी चरण सिंह ने जब अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी थी तो उस समय मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अजीत सिंह दोनों कहा जाए एक दौर में प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आए, लेकिन उस समय बाजी मारी थी मुलायम सिंह यादव ने, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया और कई दफ़ा ये देखने को मिला कि आरएलडी समाजवादी पार्टी की सरकार में साथ रही, लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन के बाद से दोनों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ नजर आ रहे हैं। किसान महापंचायतों में भी वो साथ नजर आए, इसके बाद ही साथ ही जिस तरह से औपचारिक ऐलान के बाद 7 तारीख को जो रैली हुई उसमें भी 7 दिसंबर को साथ नजर आए। और आज प्रतीकात्मक तौर पर कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि रेड अलर्ट यानी लाल टोपी, इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लाल टोपी पहनकर आएंगे, आरएलडी के सभी कार्यकर्ता हरी टोपी पहनकर आएंगे। और ये जो इगलास का इलाका है ये हाथरस लोकसभा में आता है, अलीगढ़ जिले में आता है, वहां ये जो जाट बाहुल्य सीट है और ऐसे में इस जगह को कहा जाता है कि जाटलैंड अलीगढ़ का इलाका है। यहां मथुरा पड़ोस में जनपद है, हाथरस है, आगरा है, तो इन सभी तमाम जनपदों से बड़ी संख्या में पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी के लोग आरएलडी के लोग लगातार रणनीति बना रहे हैं, गांव-गांव संपर्क किया, तो बड़ी तादाद में लोगों की जुटने की उम्मीद है। और दोनों लोग आज दोनों नेता जॉइंट तौर पर एड्रेस करेंगे और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा जिसका मैसेज बिल्कुल नितिन, अलीगढ़ समाजवादियों का गढ़ और इगलास जो है वो चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है और इस जगह का चुनाव भी अपने आप में कई सियासी मायने इसके हैं। अब आज कितनी भीड़ यहां पर जुटती है, क्या संदेश यहां से दिया जाता है, ये भी बहुत अहम होगा, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका नितिन, पूरी जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाए रखिएगा।